हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। वैसे मैं उठने वाली नहीं थी क्योंकि मेरे गर्दन में ना बहुत ज़्यादा पेन था और शायद मैं एक तरफ गर्दन करके सो गई ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था तो उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर ना जब एक बार टाइम से उठ जाओ उसके बाद सारा काम टाइम से हो जाता है तो पूरा दिन आराम ही आपको रहता है, तो इसलिए मैं मजबूरी में उठ गई। और मैंने सोचा काम वगैरह हुआ रहेगा तो अपने बच्चे का जो है अच्छे से ध्यान रख पाऊँगी, नहीं तो उनकी रूटीन जो है ना थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अगर मैं अपना आराम ढूंढने लगती हूँ ना तो उनका जो है रूटीन नहीं सही से बन पाता है, तो इस वजह से मैं उठ चुकी हूँ। और 5 बजे का टाइम था तो मैं छत पर जाने वाली थी टहलने के लिए, लेकिन बंदर इतने ज़्यादा थे ना तो मैंने आंगन में ही टहल लिया, 2-3 राउंड मार लिया, ज़्यादा नहीं मारा क्योंकि स्पेस बहुत कम है और समझ नहीं आया, तो इसलिए मैं दो तीन बार जो है चक्कर लगा लिए। और यहाँ पर फिर तुरंत गर्म पानी किया और अब मैं गर्म पानी पी रही हूँ। अम्बी का बॉटल मैंने चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए। यहाँ पर थोड़े से बर्तन हैं उनको धुलूँगी और किचन साफ़ करूँगी बस। तो यहाँ से मेरा ब्लॉग शुरू हो चुका है और प्लीज़ ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। और बस अभी जो है फटाफट अपना काम ख़त्म करूँगी। अभी बाप बेटे दोनों सो रहे हैं, पतिदेव ने अपना काम कर लिया मॉर्निंग वाला, कूड़ा बाहर फेंक कर आए, लीजा को टहला के आए और ब्रश वगैरह किया, पानी पिया, उसके बाद फिर से गए सो गए क्योंकि अभी 5 बजे का टाइम हो रहा है। उनको पूरा दिन जो है काम करना पड़ता है, ऊपर नीचे करना पड़ता है तो वो थक जाते हैं, तो वो मैंने कहा कि सो जाया करो, बस मुझे उठा दिया करो क्योंकि मेरी ना आँखें नहीं खुलती, अलार्म लगाए रहते हैं ना तो फ़ोन उठा के बंद करके फिर से सो जाते हैं। और पतिदेव हैं बिना अलार्म के, उनकी आँख जो है 5, 5:30, 4 ऐसे खुल जाती है और वो हमको उठाने के बाद फिर से जो है अपना सो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग दोनों मिलकर मैनेज करते हैं और मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती कि नहीं छत पर चलो टहलो, क्योंकि पूरा दिन वो भी परेशान रहते हैं, काम वगैरह करते रहते हैं, थके रहते हैं, तो बिल्कुल भी मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ और अपना काम वो करते हैं, मैं अपना काम करती हूँ। और फिलहाल मुझसे पहले वो उठते हैं और अपना सारा काम फ्रेश करके फिर सोते हैं, तो उनको उठाने का कोई जो है चांस ही नहीं बनता है, चांस मतलब मौका ही नहीं बनता है कि जो है उनको उठाया जाए। तो इसलिए मैं फटाफट उठ गई हूँ और बहुत स्लो मोशन में मुझे काम करना पड़ता है क्योंकि अभी तीनों लोग सो रहे हैं, चाचा जी सो रहे हैं, बेटा सो रहा है, पतिदेव सो रहे हैं और तीनों नहीं चारों सो रहे हैं, लीजा भी सो रही हैं, वैसे लीजा भी टहल आई हैं। तो बस सबने अपना अपना काम ख़त्म कर लिया, मेरा काम था तो मुझे ख़त्म करना था, तो बस अब मेरा काम भी समझिए ख़त्म हो गया। किचन का काम ज़्यादा रहता है और रूम में तो मैं जाऊँगी नहीं अभी खटपट करने क्योंकि मेरा बच्चा उठ जाएगा, किचन और रूम दो ही में काम रहता है, बाकी और आगे उतना ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, कूड़ा कबाड़ा या कुछ भी, तो बस आगे उतना ज़्यादा काम नहीं रहता, बस किचन और रूम दो को मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो बस अभी यहाँ पर ना 8 बजे तक मेरा झाड़ू पोछा, कपड़ा धुलना, नहाना, ये सारा काम जो है ख़त्म हो जाएगा और 9, 9:30 बजे तक नाश्ता पतिदेव करके चले जाएंगे। फिर मेरे पास पूरा दिन रहता है, मैं ब्लॉग्स एडिटिंग करूँ, अपने बच्चे की मालिश वगैरह करूँ, उसको खिलाऊँ पिलाऊँ, उसके लिए कुछ बनाऊँ, तो ये सब बहुत आराम से हो जाता है। अगर मैं इन सब चीज़ों का ध्यान ना दूँ का मतलब ध्यान हो ही नहीं पा रहा था। और यहाँ देखिए लाइट्स ऑफ थी, चाचा जी सो रहे थे तो मैंने फटाफट सोचा कि अब जला के लगा लेते हैं क्योंकि नहाने के बाद ना अच्छा नहीं लगता है झाड़ू पोछा करना, तो भी मैं फटाफट यहाँ पर लगा लूँगी और लगा के तुरंत लाइट ऑफ कर दूँगी और उसके बाद फिर वो अपना सो जाएंगे। तो बस कुछ इस तरीके से मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है। और तो मेन चीज़ ये है कि मैं आप लोग को टाइम दिखाना भूल जाती हूँ, मुझे आप लोग को टाइम दिखाना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, मैं अब अगली बार से ज़रूर आप लोग को टाइम दिखाऊंगी। और आप लोग जो है बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप टाइम नहीं दिखाती हैं जो है, तो ऐसा नहीं है, टाइम मैं अगली बार से ज़रूर दिखाऊंगी और बाकायदा छत पर जाकर भी मौसम भी दिखाऊंगी क्योंकि मॉर्निंग वाला मौसम इतना खूबसूरत होता है ना, उससे आप लोग को पता चल जाएगा कि मॉर्निंग है इवनिंग है कौन सा टाइम है। तो अभी 2-3 वीडियो में ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ आप मॉर्निंग वाला टाइम तो दिखाया करिए, तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को मॉर्निंग वाला टाइम भी दिखाऊंगी, तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए क्योंकि मैं ये होता है ना कि फटाफट उठो और फटाफट काम ख़त्म कर लो नहीं तो बेटा जग जाएगा, तो इस चक्कर में ना कुछ समझ ही में नहीं आता है।
और यहाँ पर देखिए मैं रूम के अंदर गई हूँ झाड़ू लगाने, मेरा बच्चा और पतिदेव सो रहे हैं, तो बहुत स्लो स्लो मैं लगाऊंगी ताकि वो उठे ना, और यहाँ पर लगा कर आ गई हूँ। तो जो रात वाला कपड़ा इन लोग का निकलता है ना, वो मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, और अगर सुबह थोड़े से कपड़े रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते, तो मैं हाथ से ही धुलती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, 2-3 बेडशीट है, तो उनको मैं मशीन में डालती हूँ, नहीं तो हाथ से ही सारे कपड़े धुलती हूँ। तो बस यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेरा काम होता है। और ये बाल्टी हम लोग लगाते हैं, एसी का पानी निकलता है तो उसके लिए लगाते हैं, ताकि गीला ना हो, दीवार में सीलन ना आए। और लीजा का कटोरा रखा था, तो ये सारा चीज़ मुझे भी धुलना है, और आंगन भी वैसे मुझे धुलना है। और देखिए मॉर्निंग में ही बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ तो नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ भीगने लायक बारिश जो है थी। तो बारिश का मौसम चल ही रहा है, तो बारिश अब नहीं होगी तो कब होगी। और बहुत तेज़ बारिश हुई थी कल परसों, पता नहीं किस दिन ना, 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी। और हम लोग अपने घर गए थे ना, तो उधर बारिश का कोई नामो निशान ही नहीं था, और बस शहर में ही बारिश हो रही थी, गांव में नहीं हो रही थी, क्योंकि गांव में बारिश का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धान लग चुके हैं और पानी वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पानी की, तो वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। यहाँ शहर में भी ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि जो शहर में बारिश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शहर में ना उमस बहुत ज़्यादा है, और गांव में जो होता है पेड़ पौधे होते हैं, तो उनसे जो है ठंडक मिल जाती है, और शहर में तो बहुत ज़्यादा उमस। एक तो घर शहर वाला ना बंद रहता है, उससे और हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पर झाड़ू पोछा हो चुका है, मैंने पोछा भी धुल दिया है, और इसको भी सब छत पर फैलाऊँगी। थोड़ा बहुत मौसम ठीक ठाक रहेगा तो जाऊँगी छत पर, नहीं तो यहीं नीचे ही फैला दूँगी। तो यहाँ जो मशीन में मैंने कपड़े रखे थे, वो सारे मैंने निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर प्रतिदेव की जेब जो है चेक कर रही हूँ, और जिस दिन नहीं चेक करती ना 100% उस दिन कुछ ना कुछ ज़रूर रहता है, और जिस दिन चेक करती हूँ ना उस दिन कुछ भी नहीं रहता। ये मेरे साथ अक्सर नहीं आए दिन होता है हुआ है। तो यहाँ पर देखिए फटाफट कपड़े भी धुल लूँगी। तो मेरा सारा काम जो है ख़त्म हो चुका है, अभी 8 बजे का टाइम हो रहा है, मैं एकदम फ्री हो चुकी हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो है मेरा ब्लॉग शुरू होता है, और कुछ इस तरीके से ब्लॉग बनता है मेरा। और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, ये ब्लॉग जो है मैं शुरू किया था, मैंने एडिटिंग करना करीब 12:30 बजे, और अभी हो रहा है 8 बजे का टाइम, शाम के 8 बज रहे हैं, और अब मैं फिर से इसकी एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम ना एडिटिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, कुछ मेहमान आ गए थे, तो मुझे एडिटिंग स्टॉप करनी पड़ी। और फिर जो है उसके बाद फिर अब जो है मैंने सारा काम ख़त्म किया घर का, और फिर से जो है अभी शुरू कर दिया है अपनी एडिटिंग, क्योंकि अभी मुझे इसको अपलोड करना है। और आज है 4 अगस्त, हाँ शायद 4 अगस्त है, तो आज अभी मैं इसको अपलोड करूँगी 9:30 या 10 बजे तक। तो प्लीज़ वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बहुत सारा सपोर्ट करिएगा, जैसे पहले आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार देते थे, उसी तरीके इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। तो बस मैं यहाँ पर मेरा मॉर्निंग वाला काम ख़त्म हो चुका है, और आज सुबह सुबह थोड़ा सा सर्फ बचा था ना, तो मैंने अपनी जो है पैर भी इसी से साफ कर ली, मैंने कहा बेस्ट होगा, इससे अच्छा है साफ कर लेती हूँ। और अभी जाके मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, अभी मैं नहाऊँगी, और अभी मेरा बेटा पतिदेव दोनों सो ही रहे हैं, तो जब तक उठेंगे ना तब तक चाय बनाकर फिर उठाऊँगी, और इनका नाश्ता भी साथ में बना दूँगी, और उसके बाद फिर जब उठेंगे ना तो थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, क्योंकि जो है थोड़ा देर पतिदेव उनको ले जाते हैं बाइक से टहलाने, तो कुछ देर के लिए मैं भी फ्री हो जाऊंगी और बैठ जाऊंगी, चाय वगैरह पीने के बाद ये लोग जाते हैं, और इधर नाश्ते की तैयारी भी कर लूँगी जब तक ये लोग आएंगे। तो बस कितने अच्छे से सारा काम मैनेज हो गया, और मैंने सुबह सुबह उठकर देखिए सारा काम कैसे मैनेज किया, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और ये वैसे इसका क्रेडिट पतिदेव को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे उठाया था, और मैं उठने वाली नहीं थी, मैं तो सो ही रही थी, तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छा अब उठ जाओ। और मैं रोज़ कहती थी ना कि 5 बजे उठा दो, और फाइनली आज उन्होंने मुझे उठा ही दिया, और मेरा सारा काम भी जो है टाइम से हो गया। और यहाँ पर मेरा बच्चा भी जो है खेल रहा है, और यहाँ पर बन रही है मॉर्निंग वाली चाय, तो आप लोग भी आ जाइए मॉर्निंग की चाय पीने। और पतिदेव नाश्ते में आज फिर से मुरमुरे खाने वाले हैं, इनका बहुत ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन बिना खीरे का ना, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ये लोग चाट मसाला बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। वैसे चाट मसाला बहुत ज़्यादा मुझे भी नहीं पसंद है, लेकिन थोड़ा सा चटपटा वगैरह रहता है ना तो ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने लैया और नमकीन जो दोनों मिक्स कर लिया है, थोड़े से मूँगफली के दाने थे उसको मैंने मिक्स कर लिया है, और यहाँ पर चाय बनकर तैयार हो चुकी है।
और उसके बाद फिर जो है इसमें मैं प्याज और टमाटर कट करके रखी हूँ उसको ऐड कर दूँगी। ये मॉर्निंग का बहुत ही अच्छा नाश्ता है। वैसे हम लोग चना भी भिगाते हैं लेकिन 2-3 दिन से चना नहीं भिगा पा रहे हैं, याद से ध्यान से उतर जा रहा है। तो पतिदेव उसका भी नाश्ता बहुत प्रेम से कर लेते हैं। तो बस चलिए फिर यहाँ पर मेरा सारा काम जो है ख़त्म हो गया है, नाश्ता भी बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर टमाटर वगैरह कट करके मैंने पहले से ही रख दिया था जो कि मैंने आप लोग को दिखाया। तो बस चलिए फटाफट बना देते हैं इनका मुरमुरे और चाय भी तैयार हो चुकी है। तो ये हो जाएगा मेरा मॉर्निंग का नाश्ता और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। फ्रेंड्स आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा, आप लोग के सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है मुझे और बहुत टाइम से मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरी वीडियो शेयर करिए ताकि वायरल हो जाए, मुझे भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो बस बहुत सारी बातें कर ली और अभी वीडियो का एंड होने का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पर मॉर्निंग का नाश्ता आज यही होगा। तो देखिए नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है, तो आप भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करते रहिएगा, बहुत ही जल्द एक अच्छा सा ब्लॉग फिर से आने वाला है। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।